जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सबसे पहले आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं। एक महिला जवान जिसका अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है और उसने रोकर आप सबके सामने अपील की है कि मैं दूसरों को क्या न्याय दिलाऊंगी जब मेरे अधिकारी मेरा ही शोषण कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में जहां भी देखो अधिकारी जवानों को इस तरह गुलाम समझते हैं कि उनको मन चाहे जो काम हम जवानों से ले सके। जवानों का शोषण हर डिपार्टमेंट में हो रहा है और इसकी कमी मैं पहले बता चुका हूं कि आप और हम हैं। जुल्म करने वाला तो जुल्मी है ही, लेकिन जो लोग जुल्म सहकर उस जुल्म से चुप हैं वो भी कहीं ना कहीं पाप के भागीदार हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब मिलकर इस महिला कॉन्स्टेबल की मदद करें ताकि उन हरामखोर अधिकारियों को सबक सिखाया जा सके। और इस वीडियो के जरिए एक बार मैं फिर सभी भ्रष्ट अधिकारियों को, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में हो, चाहे सेना में हो, चाहे वो स्टेट पुलिस में हो, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अपने पावर का मिसयूज मत करो, जवानों को गुलाम मत समझो। जवानों से मनमर्जी का वंचित अपने घरों में काम करा रहे हो, कभी उनसे गाली गलौज कर रहे हो, कभी उन पर हाथ उठा रहे हो, इस तरह का काम मत करो। वरना एक दिन धीरे धीरे ऐसा आ रहा है कि आप लोग बाहर की लड़ाई से तो बाद में मरोगे, हमारे अपने ही जवान आप लोगों को मार देंगे। बहुत से केस आ रहे हैं और हम नहीं चाहते कि ये देश इस तरह की किसी गति की ओर जाए। सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि जवानों के जो मुद्दे हैं इन पर जल्दी ध्यान दें, वरना एक दिन वो आएगा कि हमारा जवान और अफसर आपस में लड़ लड़ कर मरेंगे। और फिर ये नेतागिरी तुम्हारी, ये तुम्हारी जो नेतागिरी की टोपी है ना, वो धरी रह जाएगी। तो विनती करता हूं इन अधिकारियों पर लगाम लगाएं, इनको जो मनमर्जी के अधिकार मिले हुए हैं जिनसे ये जवानों को शोषण कर रहे हैं, उन अधिकारियों को बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों के जमाने के जो अधिकार हैं, जो काले कानून हैं, उनको समाप्त किया जाए। मोदी जी से मैं विनती करता हूं कि आपने सिविल के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, तो एक बार फोर्स की तरफ भी आपका ध्यान जाए और ये जवानों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अलंकार हो रहा है, उन महिलाओं को क्या भरोसा दिलाऊंगी कि आने हाथ में मिल जाएगी जब मैं खुद ही परेशान हूँ। मेरे अधिकारी खुद ही मेरे साथ शोषण कर रहे हैं, वह कहीं तक मेरी बात नहीं सुनी बजा रही है। कप्तान साहब ने मेरी पोस्टिंग कर दी है जानकीपुरम, जो कि मैंने स्वेच्छा से कराया है, लेकिन हमें कप्तान साहब से मिलने नहीं दिया गया। और आरआई साहब, बीआरओ साहब भी आरआई साहब के ही पक्ष में बता रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उन्हीं के पक्ष में कह रहे हैं। मुझे इस विभाग से, इस न्याय से भरोसा उठ गया है। मैं महिलाओं को क्या भरोसा दिला पाऊंगी कि तुम्हारे साथ न्याय होगा? मुझे क्यों महिला भर्ती किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही किया गया ना, तो मुझे मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही है इसमें।